एक्टर कादर खान की बात करें तो उनके फैंस के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है सामने। क्या है ये खबर, आइए बताऊं मैं आपको। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, कादर खान साहब की बात करें तो साल 2018 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया था और अब खबर ये आ रही है सामने, यानी उनके बड़े बेटे अब्दुल कुदुस खान भी अब इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं। खबर ये आ रही है सामने कि वो कनाडा में रहते थे और कनाडा के एक एयरपोर्ट पे एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर काम करते थे। उनकी तबीयत की बात करें तो उनके भाई का कहना है कि काफी दिनों से अब्दुल की तबीयत खराब थी और इसी वजह से वो हॉस्पिटल में भी एडमिट थे और अब खबर ये आ रही है सामने कि वो इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं। कादर खान साहब ने भी एक बार अपने बेटे अब्दुल के बारे में किस्सा सुनाया था कि उन्होंने बॉलीवुड में जो मूवीज की हैं उनमें वो ज्यादातर वो एज ए विलन नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने विलन के किरदारों को इसलिए अलविदा कहा था क्योंकि उनके बेटे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बात यूं हुई कि अब्दुल एक दिन जब स्कूल गए तब उनके दोस्तों ने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की क्योंकि उनके दोस्तों का कहना ये था कि तुम्हारे पिता फिल्म के अंत में हीरो को मार देते हैं और मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा बुरे काम करते हैं, और इसी वजह से अब्दुल के क्लास वालों ने उनके सर पे चोट पहुंचाई थी। और इस घटना को देख के कादर खान साहब डर गए और उन्होंने फैसला कर लिया कि बॉलीवुड में वो अब एज अ विलन कभी नजर नहीं आएंगे। कादर खान साहब की बात करें तो उन्होंने 300 से ज़्यादा मूवीज़ में काम किया है। एज एक्टर तो वो आपको नज़र आए ही हैं, लेकिन वो बहुत बढ़िया राइटर भी थे, चाहे वो गोविंदा हो या फिर हो अमिताभ बच्चन। उन्होंने इन दोनों कलाकारों को बहुत बेहतरीन डायलॉग्स लिख के दिए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है उन्होंने बॉलीवुड में। और अगर हम कादर खान साहब के अवार्ड्स की बात करें तो उनको पद्मश्री के साथ भी नवाजा गया है उनके सिनेमा के कंट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन अब बुरी खबर ये आ रही है सामने कि कादर खान के बड़े बेटे अब्दुल कुदुस भी इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं। गूगल बॉलीवुड की टीम दुआ करती है कि अब्दुल कुदुस की आत्मा को शांति मिले। और आपकी क्या राय है कादर खान साहब पे, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और बॉलीवुड के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहेगा हमारा चैनल जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।